गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो क्या मुनव्वर फारूकी एलविश यादव का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? जी हां गाइस, रिसेंटली आपको पता होगा मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के बाद लाइव आए थे और वहां पे वो उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। और उसके बाद भाई साहब उन्होंने बताया कि एक थर्ड पार्टी ऐप का प्रमोट करने के लिए वो लाइव आने वाले हैं रात को। इसी पर मतलब कि उनकी रिएक्ट करते हुए खबरी बोले, हाउ मैनी लाइव व्यूअर डू नॉट एक्सेप्टिंग। मतलब कि वहां पे आपको पता होगा सुपरस्टार के जब लाइव आए थे तो फैक्स कैसे व्यूज बढ़ाए थे लाइव इंस्टाग्राम पर, उसी तरह मतलब कि ये भी यूज करने वाले हैं लेकिन वो रियल नहीं हो गए। एज यू नो गाइस, तो कई स्कैप मुनव्वर फारूकी को समर्थ भाई ने मतलब कि एक्सपोज कर दिया। आपको पता होगा जब वो बिग बॉस में थे तो उनके ऊपर फेक लव फेक जीवा के बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते भाई साहब बिग बॉस की ट्रॉफी उन्हीं को मिली थी, तो इसीलिए उन्होंने एक वीडियो बनाया था हमें सम्राट भाई एक्सपोज करते हैं मुनव्वर फारूकी की टीम पीआर को। मुनव्वर भाई जब बिग बॉस के अंदर थे तो एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई थी उनकी, कि वो एक साथ पांच छह लड़कियों को डेट कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में एक लड़की के साथ रहते हुए दूसरे को धोखा दिया, दूसरे को धोखा देकर तीसरे के पास चले गए। इस तरीके की बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस बात पे इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, एक पीआर टीम ने तुम्हारे दिमाग में क्या घुसेड़ दिया, मुनव्वर भाई तो चैड है, चैड। सेम चीज दीपिका पादुकोण करती तो तुम उसे जाके क्या बोलते? अभी देखा था ना रणवीर सिंह के साथ वो कॉफी विद करण में जो हुआ था, क्या बोल रहे थे अपन लोग दीपिका को? मतलब अगर एक लड़की कह दे तो हाँ हमें हक मिल जाता है ये सब बोलने का, और लड़का कर दे तब भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। लेकिन ये होता है कि उस आदमी के पास पीआर टीम नहीं होती, दैट द रीजन उसकी गलतियों को कोई चैड के नहीं बताता। मुनव्वर पे थी अच्छी पीआर टीम, दैट द रीजन उसकी गलतियों को भी चैड चैड के ग्लोरीफाइड किया। आपको पता होगा जैद ब्लॉग और मनोज दे के बारे में जो कंट्रोवर्सी थी उसमें मनोज दे का कमेंट जैद ब्लॉग ने डिलीट कर दिया था, उसी को लेकर उन्होंने जैद ब्लॉग ने एक वीडियो बनाया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने कमेंट डिलीट क्यों किया। ये बात कमेंट डिलीट करने की तो वो तो हम जानबूझ के किए हैं, क्या सोच रहे हैं, हमको पता नहीं था कि आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। 35 मिनट 36 मिनट बाद हम जब डिलीट मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं भाई, क्यों मार रहे हैं? द रीजन वाज जो बंदा उस चीज में एक एक पॉइंट को नोट आउट करके एक्सप्लेन किया हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं कि हम तो देखो भैया साफ सुथरे इंसान है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कोई आदमी कीचड़ उछाल रहा है किसी के ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, कीचड़ पे फूल डालने की कोशिश किए हैं मनोज भाई वो कमेंट करके, ताकि जो वीडियो जो व्यूअर्स आए ना, जो ऑडियंस है उस चैनल पे वो वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कमेंट देख के पिघल जाए कि ओ हो मनोज भाई कितने अच्छे इंसान हैं, ओ हो इन भाई को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ओ हो मनोज भाई आप सही हो ये। तो सब बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो आपको पता होगा सौरभ जोशी को उनके फैंस वगैरह जो है वो गिफ्ट वगैरह खाने की चीजें वगैरह ऐसे भेजते रहते हैं, तो उसी को लेकर सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में उनको भेजने के लिए मना किया। आप देखिए और क्यों मना किया ये भी। थैंक यू जिसने भी ये सब भेजा है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज 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 ये सब मत भेजा करो, इसके जगह आप मतलब जरूरतमंदों को बांट दो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बाय कर सकते हैं। आप लोग लेटर भेजो, लेटर पढ़ूंगा मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा, आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं दिखाऊंगा, बट इस तरह से कुछ खाने की चीज या फिर कुछ इस तरह से प्लीज मत भेजा करो, सॉरी गाइस। ज्यादा ज्यादा बात करते हैं फुकरा इंचान के बारे में। तो फुकरा इंचान ने जो अपना न्यूज चैनल बनाया था जो कि तेलुगु में था, उसका फाइनली उनको सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फुकरा इंचान। सो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और भी न्यू अपडेट के लिए।